गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों की डिमांड पे डेली वेयर ब्लाउज कलेक्शन। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डेली वेयर के लिए कुछ ब्लाउज कलेक्शन शेयर करिए, तो मैं लेके आ गई हूँ टोटल 10 ब्लाउज जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आता है, जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो ये कुछ पार्सल हैं जो कि मैंने ओपन करे हैं, बाकी सारे अभी पैक ही हैं, तो मैं सब आपके सामने ही ओपन करने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट ब्लाउज है, से ओपन करके देखते हैं कौन सा ब्लाउज है। मोस्टली जो ब्लाउज मैंने मंगाए हैं कॉटन फैब्रिक के हैं, जिन्हें हम डेली घर में आसानी से पहन सके। तो ये है फर्स्ट ब्लाउज, और ये का जो फैब्रिक है प्योर कॉटन है, और इसका कलर ऑफ वाइट कलर है। और नेक पे आपको ये बहुत ही प्यारी सी डिटेलिंग मिल रही है, पूरा रेशम थ्रेड वर्क है। नेक फ्रंट से भी आपको वी नेक मिल रहा है और बैक से भी वी नेक मिल रहा है। ब्लाउज की क्वालिटी आप देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइनर सा ब्लाउज है। कलर बहुत ही प्यारा लगा है, इसका डिजाइन जो है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने सोचा इसे भी शेयर करना चाहिए। इसे आप डेली यूज में नहीं पहनेंगे, बट ये ब्लाउज बहुत ही प्यारा था, इस वजह से मैंने मंगाया है। इसकी जो स्लीव्स है उसका भी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, इस टाइप का है। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था। और ये ऐसा ब्लाउज है कि आप इसे कॉटन की साड़ी के साथ पहन सकते हैं, और नॉर्मल किसी साड़ी के साथ भी आप पहन सकते हैं। इसे पिंक कलर की, ग्रीन कलर की साड़ी के साथ पहनेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। यहाँ पे इस तरह का आपको फ्रिल पैटर्न मिल जाएगा, मतलब पूरा डिजाइनर ब्लाउज है, पैडेड ब्लाउज है। पैड की क्वालिटी आप देखिए काफी अच्छी है, क्रीप बहुत ही अच्छी है। इसमें जो लाइनिंग यूज हुई है प्योर कॉटन की है। ब्लाउज काफी अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग ब्लाउज बहुत ही अच्छा है। बैक साइड आपको हुक मिलेंगे इसमें, तो ये ब्लाउज मुझे बहुत ही पसंद आया है, तो इसके लिए मैं 10/10 दूंगी। नेक्स्ट ब्लाउज देखते हैं कौन सा है। तो ये प्योर कॉटन फैब्रिक के ब्लाउज है ना, तो इस तरह छोटे छोटे से पैकेट में रिसीव हुए हैं। ये तो अच्छा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, वरना जो नहीं दिखते हैं ना उन्हें मैंने ओपन करके देखा था, क्योंकि उसमें डर रहता है कि पता नहीं क्या आया है। तो इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है ब्लू कलर का, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक पे आपको ये ब्लाउज मिल रहा है, और इसमें आपको हुक फ्रंट साइड मिले। बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी फ्रंट हुक वाले ब्लाउज लाइए, तो इसमें आपको फ्रंट में हुक मिल रहा है, और ये प्योर कॉटन फैब्रिक का है। और इसकी जो ब्लाउज में चार चांद लगाने वाला है ये डिजाइन, आप देखिए कितना सुंदर सा ये डिजाइन दिया हुआ है, और ये पूरा रेशम थ्रेड वर्क है। तो इसे आप किसी भी कंट्रास्ट साड़ी के साथ स्टाइल करेंगे, जैसे इसमें येलो कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, उसके साथ आप इसे स्टाइल करेंगे, बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो साइज इसमें मैंने मंगाया है 34, तो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को फिट होगा, क्योंकि मीशो में मैं 32 नहीं मंगाती हूँ, 34 ही मंगाती हूँ। और इसमें फ्रंट से जो ये आपको पैटर्न दिया हुआ है प्रिंसेस कट है, फिटिंग काफी अच्छी आएगी। तो ये है ब्लाउज, बहुत ही प्यारा है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, एकदम मलमल कॉटन होता है ना, उस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक है। तो नेक्स्ट ब्लाउज देखते हैं ओपन करके, जो कितना छोटा सा पैकेट है, और ये भी ऑफ वाइट कलर का है। ऑफ वाइट पे ना बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी डिजाइन है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न की। तो ये है कुछ इस तरह का, पहले आप बैक की डिजाइन देख लीजिए, आप पीच कलर की साड़ी के साथ, पिंक कलर की साड़ी के साथ इसे स्टाइल करेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। फैब्रिक तो आपको समझ में आ रहा होगा, कितना सॉफ्ट सा फैब्रिक है, एकदम कंफर्टेबल रहेगा, आप डेली वेयर में इस तरह के ब्लाउज ले सकते हो। तो इसमें हुक आपको फ्रंट साइड मिल जाएंगे, मैंने थोड़ा सा ध्यान में रख के ब्लाउज मंगाए हैं फ्रंट हुक पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यदि फ्रंट हुक वाले ब्लाउज लेके आइए, तो ये भी आपका फ्रंट हुक ही है, और स्लीव पे भी आपको ये वाला बूटा मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी आप देखिए पास से देखिए कितना प्यारा सा ये वर्क किया हुआ है, पूरा रेशम थ्रेड वर्क है। ग्रीन साड़ी, पिंक साड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फाइन स्टिचिंग की हुई है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी इसमें डिटेलिंग दी हुई है, ये पिंक पाइपिंग लगा के, और इसमें भी साइज मेरा 34 है, तो ये ब्लाउज तो बहुत ही। नेक्स्ट ब्लाउज है ये येलो कलर का, तो
ये भी प्योर कॉटन फैब्रिक का ब्लाउज है और इसमें आपको ये डिटेलिंग मिलेगी। पूरा मोस्टली जो ब्लाउज है उसमें आपको रेशम थ्रेड वर्क ही मिलेगा, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फ्रंट से आपको इस तरह का प्रिंसेस कट मिल जाएगा, हुक आपको इसमें सेम फ्रंट में ही मिलेंगे। स्टिचिंग बहुत ही अच्छी है ब्लाउज की, प्राइस के अकॉर्डिंग फैब्रिक और डिजाइन बहुत ही प्यारा है। ये है ब्लाउज, देखिए स्लीव्स आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इस पे कितनी प्यारी सी ये डिटेलिंग दी हुई है पूरी रेशम थ्रेड वर्क की, इसमें बर्ड बने हुए हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा, किसी की रेड साड़ी के साथ आप इसे पहन सकते हैं। इस तरह के जो डार्क कलर हैं वो आप बहुत सारी साड़ियों के साथ मिक्सर मैच कर सकते हैं, जैसे मैं इसे रेड के साथ पहन सकती हूँ, ब्लू के साथ पहन सकती हूँ, ग्रीन के साथ पहन सकती हूँ, तो लुक बहुत ही प्यारा आएगा। दोनों स्लीव पे आपको ये हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और बैक साइड आप देखिए ब्लाउज, ओ माई गॉड ब्लाउज का लुक तो देखिए, पूरी एम्ब्रॉयडरी पूरा हैवी ब्लाउज आपका है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के हैं। कोई भी ब्लाउज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 400 से ऊपर गए होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट आपको स्क्रीन पे सभी के प्राइस मिल जाएंगे तो आप देख लीजिएगा। ये ब्लाउज भी काफी अच्छा है, इसमें नीचे के साइड भी आपको ये पाइपिंग मिल रही है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे ये ब्लाउज। और इसमें भी साइज मैंने 34 मंगाया है। तो नेक्स्ट ब्लाउज ओपन करके देखते हैं, ये है रेड कलर का, इतना तो दिख रहा है कि रेड कलर का ब्लाउज है। और ये भी मटेरियल देखिए कितना सॉफ्ट मटेरियल है, और ये है रेड कलर का ब्लाउज। इसमें भी आपको जो हुक है फ्रंट साइड ही मिल रहे हैं, और ये ब्लाउज मेरे को काफी बड़ा सा लग रहा है। इसमें मैं साइज चेक कर लेती हूँ, साइज नहीं दिख रहा है। तो फ्रंट से आपको इस तरह का राउंड नेक मिलेगा, और सभी ब्लाउज के जो नेक हैं बहुत ही छोटे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डीप नेक है। जो डीप नेक नहीं पहनना पसंद करते हैं उनके लिए ब्लाउज बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह का फ्रंट से आपको हुक मिल जाएगा और इसका साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। प्रिंसेस कट है फ्रंट से, इसमें यहाँ पे पाइपिंग दी हुई है, स्टिचिंग सभी ब्लाउज की अच्छी है। हाफ स्लीव आपको ब्लाउज मिल रहा है, इसमें भी आपको व्हाइट कलर की ये पाइपिंग मिल जाएगी और बैक साइड इसमें आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, रेशम थ्रेड वर्क से ये बर्ड बनी हुई है। बहुत ही प्यारा लुक आएगा पहनने के बाद। तो इस तरह के ब्लाउज आप डेली घर में भी पहन सकते हैं, जो लोग साड़ी पहनते हैं बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो नेक्स्ट ब्लाउज है ये ग्रीन कलर का, और मैं इसे ओपन करके देख चुकी हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पैकेट में नहीं था। इस तरह का है और इसमें साइज मैंने मंगाया है 36, क्योंकि इसमें 34 या फिर 32 नहीं था तो मैंने बड़ा ही मंगाया, क्योंकि इसकी जो स्टिचिंग थी ना बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ्रंट से इस तरह का वी नेक है और इस ब्लाउज में हुक नहीं लगे हुए ओह माय गॉड, इसमें हुक ही नहीं लगे हुए हैं तो ये बंद कैसे होगा, बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो इस ब्लाउज को तो मैं पहन के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये देख लीजिए इसमें हुक ही नहीं लगे हुए हैं, ये देखिए। बाकी ब्लाउज बहुत ही अच्छा लग रहा था, फ्रंट से वी नेक था, इस तरह का लुक इसका पहनने के बाद बहुत ही अच्छा था। सिंपल सा ब्लाउज है, ब्रोकेट फैब्रिक का है, डार्क ग्रीन कलर है और इसमें भी लाइनिंग काफी अच्छी लगी हुई है, बट इसमें हुक नहीं है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप भी ऑर्डर करके देख लीजिएगा, आपको हुक इसमें मिलते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मिले। ब्लाउज है इसे मैंने ओपन करके देख लिया था क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, और ये रेड कलर का ब्लाउज है और इसमें साइज आ गया है 32। किसी किसी ब्लाउज में 32 है, नहीं तो मोस्टली मुझे 34 या फिर 36 मंगाना पड़ता है, वो मेरे को लूज होते हैं। तो जब ब्लाउज की हम थोड़ी सी फिटिंग अच्छी सी होती है तब ही ब्लाउज का लुक आता है, तो वो थोड़ा सा आप ऑल्टर करा लेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये ब्लाउज देखिए, इसमें बैक में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, पूरा वर्क मिल रहा है इस तरह का, राउंड नेक मिल जाएगा बैक साइड से भी और फ्रंट से भी आपको इस तरह का राउंड नेक मिलेगा। इसका जो प्रिंसेस कट है, सारे ब्लाउज में मोस्टली ब्लाउज में आपको ये प्रिंसेस कट मिलेगा, हुक इसमें भी आपको फ्रंट साइड ही मिल रहा है, और ये है स्लीव, स्लीव पे भी आपको ये वर्क मिल जाएगा। तो ये ब्लाउज भी काफी अच्छा है, और रेड ब्लाउज तो मोस्टली सबके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉटन मटेरियल पे है, ये ब्लाउज भी काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट ब्लाउज है, ओह माय गॉड, ये भले ब्लाउज दो दो रिसीव हो गए हैं। ये जो मैंने फर्स्ट ब्लाउज आपके साथ शो किया था वही वाला ब्लाउज है,
सेम पीस मेरे को दो दो रिसीव हो गए हैं, वो भी अलग अलग पैकेट में। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैंने ऑर्डर किया था कि या फिर ये दो अलग अलग आ ही गए हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक। तो ये ब्लाउज तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये ब्लाउज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पैकेट ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या आया है। और ये भी पैकेट बंद है, और ये मेरे को दो दो ब्लाउज क्यों रिसीव हो रहे हैं पता नहीं। ये वाला ब्लाउज भी मेरे को डबल रिसीव हुआ है, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ ये है, इस तरह का फ्रंट से आपको छोटा सा राउंड नेक मिल रहा है, 32 साइज है, हुक इसमें फ्रंट साइड ही है, फैब्रिक तो सॉफ्ट है ही है, एकदम सॉफ्ट कॉटन मटेरियल पे ब्लाउज मिलेगा। और यहाँ पे स्लीव में आपको इस तरह का फ्रिल पैटर्न मिल जाएगा, ये फ्रिल बना के लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये बैक साइड आपको ये मिल जाएगा, तो ये ब्लाउज भी काफी अच्छा लग रहा है, इसका ये लुक ही मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पूरा थ्रेड वर्क है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज है। सारे ही ब्लाउज क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छे हैं। इनका लुक आपको ट्राई ऑन में दिख रहा होगा, कुछ थोड़े से लूज होंगे क्योंकि मेरा जो एग्जैक्टली साइज है वो 32 है, पर मीशो पे मोस्टली ब्लाउज में आपको 32 नहीं मिलता है, तो आप मंगा के थोड़ी सी ऑल्टर करा सकते हैं तो आपको वो फिट हो जाएंगे। और ये साड़ी भी मेरी मीशो की है, ये ब्लाउज मेरा अमेजोन का है। इन सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।